हेलो फ्रेंड्स, क्लास 9 से अपना नया लेक्चर स्टार्ट करते हैं। चैप्टर 7 हमारा ट्रायंगल्स 7.1 और 7.2 एक्सरसाइज पहले कंप्लीट हो चुके हैं। आस्टार ने 7.3 का, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फिलहाल मैंने पहले क्वेश्चन का बना दिया, मैं क्वेश्चन अपने बुक से पढ़ता हूं, आप भी देखिएगा। क्वेश्चन कह रहा है कि इन ट्रायंगल एबीसी एंड डीबीसी, ओके, ट्रायंगल एबीसी और ट्रायंगल डीबीसी, ओके, दो ट्रायंगल है, आर द टू आइसोसेलस ट्रायंगल ऑफ द सेम बेस बीसी, ओके, दोनों के दोनों आइसोसेलस ट्रायंगल है और सेम बेस बीसी पर। तो सबसे पहले हमने आपको क्या लिखना सिखाया, सबसे पहले लिखते हैं गिवन। गिवन क्या चीज है, जितनी बार आपको क्वेश्चन में दी हुई हो सब गिवन में लिख दीजिए, ठीक है। तो क्या लिखेंगे कि ट्रायंगल एबीसी एंड ट्रायंगल डीबीसी आर टू आइसोसेलस ट्रायंगल, आर टू आइसोसेलस ट्रायंगल। अब आइसोसेलस ट्रायंगल की प्रॉपर्टी क्या होती है कि ऑपोजिट साइड्स बराबर होती है, तो ये आप गिवन में लिख लीजिए, जिससे कि आपको जब इसे प्रूफ करते समय यूज कर रहा हूं तो डायरेक्टली गिवन लिख सकते हैं। तो इन विच क्या लिखते हैं, ए बी इज इक्वल टू ए सी और क्या लिखते हैं, डी बी इज इक्वल टू डी सी। मैं बता देता हूं, अगर बड़े ट्राइंगल एबीसी की बात करें तो ए बी बराबर ए सी, अगर छोटे ट्राइंगल डीबीसी की बात करें तो डी बी बराबर डी सी। भाई आइसोसेलस ट्राइंगल है, दो साइड तो बराबर होनी ही होनी है, ठीक है। आगे देखो क्वेश्चन कुछ और गिवन है क्या, इफ ए डी इज एक्सटेंडेड टू इंटरसेक्ट बी सी एट पी, ओके, ए डी को आगे पी तक बढ़ा दिया गया है, फिर शो करना है, ठीक है। मतलब आपको यहां पर गिवन तो कुछ आएगा, ठीक, तो शो दैट, तो शो करना है, क्या क्या शो करना है वो लिखते हैं। जरा एबीडी और एसीडी कॉन्ग्रुएंट है, एबीडी, ओके, तो पहला प्रूफ करना है आपको, ट्राइंगल एबीडी कॉन्ग्रुएंट है ट्राइंगल एसीडी के। दूसरा देखिए क्या प्रूफ करके लाना है, एबीपी एबीपी और एसीपी कॉन्ग्रुएंट है, ठीक है। तो ट्राइंगल एबीपी कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल एसीपी, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, एपी बाइसेक्ट एंगल ए एज वेल एज एंगल डी, ओके, ये जो एपी है एंगल ए को भी दो हिस्सों बराबर बांट रहा है और एंगल डी को भी। तो ये बात मैंने आपको बताया था कि यहां बराबर बांटने का क्या मतलब होता है, 1:2 प्रूफ करना है और 3:4 प्रूफ करना है, ठीक है। हम पहले भी इस बात को समझ चुके हैं पहले कई बार, तो 1:2 प्रूफ करना है और 3:4 प्रूफ करना है। फिर समझ लीजिए, अगर AD एंगल A को बाइसेक करती है तो पहले तो एंगल A के दो हिस्से बनाओ 1 और 2 और प्रूफ करना है कि 1 और 2 बराबर। ऐसी एंगल D के दो हिस्से बनाओ, मतलब दो अलग अलग एंगल लिख लो उस पर और फिर 3 बराबर प्रूफ कर दो, ठीक है। नेक्स्ट क्या कह रहा है, AP इज द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ BC, ओके, ये बात मैंने आपको लास्ट क्लास में भी बताया था कि परपेंडिकुलर बाइसेक्टर का मतलब क्या होता है, फिर से बता रहा हूं, ये जो AP है वो BC पर अगर परपेंडिकुलर है, ध्यान रखिएगा, एक एक करके वर्ड यूज करूंगा, अगर AP BC पर परपेंडिकुलर है, परपेंडिकुलर का मतलब होता है कि 5 और 6 बराबर है लेकिन किसके बराबर है, 90 डिग्री के बराबर है, यही प्रूफ करना पड़ेगा, ठीक है। ये जितने भी सिंबल मैंने बनाया है ये गिवन में कुछ नहीं है, सब मुझे प्रूफ करके लाना है। और परपेंडिकुलर के साथ साथ बाइसेक्टर भी है, बाइसेक्टर का मतलब कि ये AP जिस साइड पर आ रहा है उस साइड को भी बिल्कुल बराबर हिस्सों में बांट रहा है, मतलब प्रूफ करना है BP इज इक्वल टू CP। तो ये सारी चीजें आपको प्रूफ करके लानी है, ठीक है। शो हो गया, कंस्ट्रक्शन कोडिंग है, तो डायरेक्टली क्या स्टार्ट करते हैं, प्रूफ। चाहो तो सॉल्यूशन लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है इसमें, ठीक है। सबसे पहले आपको ए बी डी और ए सी डी प्रूफ करना है कॉन्ग्रुएंट। चेक कर लो कोई तीन चीज है अपने पास, तो ए बी ए सी बराबर है, ये तो मुझे गिवन है, बी डी और सी डी के बराबर है, ये भी मुझे गिवन है, और ए डी ए डी कॉमन है। लो जी बात बन गई यहां पर मेरी, ठीक है। चलो मैं करके दिखा रहा हूं, तो जिस ट्राइंगल को पहले आपको कॉन्ग्रुएंट करना है उनके नाम लिखेंगे, इन ट्राइंगल ए बी डी एंड ट्राइंगल ए सी डी, ठीक है। तीन चीजें ऑर्डर में भी लिखनी है, ए बी ए सी के बराबर है, पहले नाम का ऑर्डर देखिए, ए बी और ए सी, हाँ नाम का ऑर्डर बिल्कुल ठीक आ रहा है, तो ए बी इज इक्वल टू ए सी। इसके रीजन क्या लिख सकते हैं, देखो मैंने ए बी ए सी को शुरू में लिख दिया था, तो रीजन क्या लिख सकते हैं, गिवन। और मान लो इसे मैंने अगर गिवन नहीं लिखना हो तो क्या लिख दूं, कि टू साइड्स ऑफ एन आइसोसेलस ट्रायंगल आर इक्वल, ऐसा भी लिख सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट देखो, बीडी और सीडी चेक कर लो, इसी दो ट्रायंगल की साइड है क्या, बीडी
और CD, हाँ ट्राइंगल की साइड तो है और बराबर भी है क्या? देखो BD और CD बराबर है, फिर रीजन क्या आएगा? गिवन, तो BD इज इक्वल टू CD और रीजन आ जाएगा गिवन। तीसरी चीज देखो, AD AD दोनों में कॉमन है, तो देखो ट्राइंगल में किस तरह से आ रहा है ये AD और AD बिल्कुल मौजूद है और ऑर्डर भी ठीक बैठा है AD इज इक्वल टू AD का, तो ये लीजिए AD इज इक्वल टू AD, क्या लिखूंगा? कॉमन। तीन चीजें तो मिल गई, किसी एक ट्रायंगल में इस ऑर्डर को चेक करते हैं, तो देखना AB साइड है, BD भी साइड है, AD भी साइड है, तो ट्रायंगल्स आर कॉन्गेंट बाय साइड साइड साइड, तो ट्रायंगल ABD कॉन्गेंट टू ट्रायंगल ACD साइड साइड और साइड। पहला तो प्रूव हो गया, लेकिन क्या यहां से कुछ हमें फायदा भी हुआ? बिल्कुल फायदा हुआ। देखो अगर ये दो ट्रायंगल आपस में कॉन्ग्रुएंट है तो हम क्या कह सकते हैं, एंगल वन इज इक्वल टू एंगल टू CPCT, कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स। मतलब अगर दो ट्रायंगल आपस में कॉन्ग्रुएंट है तो पहले ट्रायंगल की सारी साइड दूसरे ट्रायंगल की सारी कॉरेस्पॉन्डिंग साइड के बराबर, पहले ट्रायंगल के तीनों एंगल दूसरे ट्रायंगल के कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स के बराबर, तो ये वन और टू कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल की वजह से आ रहा है। तो पहला पार्ट तो प्रूव हो गया और ये वाला पार्ट भी प्रूव हो गया, ठीक है। अब दूसरा देखो हमें क्या प्रूफ करना है, ABP ओके और ACP कॉन्ग्रुएंट है। तीन चीज यहां भी ढूंढ सकते हैं, चलो देखते हैं मिल रहा है क्या। AB और AC बराबर है, वन और टू मैंने प्रूफ कर ही दिया और AP कॉमन है, ये लो जी बात तो यहां पर ही बन गई, ठीक है। चलो देखते हैं ट्रायंगल का नाम लिखते हैं पहले, इन ट्रायंगल ABP, इन ट्रायंगल ABP, ABP तो पक्की बात ऑर्डर आएगा ACP दूसरे ट्रायंगल का, ट्रायंगल ACP। इस ऑर्डर का बहुत ध्यान रखा जाता है कॉन्ग्रुएंसी करते समय, ठीक है। अगर नाम का ऑर्डर गलत हो गया तो फिर जो आप ये नीचे तीन स्टेप लिखते हो यहां फिर बहुत दिक्कत हो जाएगा, तो नाम ट्रायंगल का सही ऑर्डर से लें, अगर ABP लिया है तो उधर ACP ही करके लें, ठीक है। चलिए तीन चीज ढूंढते हैं, AB AC के बराबर है, नाम का ऑर्डर AB और AC सही बैठ रहा है, AB इज इक्वल टू AC और रीजन क्या आएगा भाई, गिवन में शुरू में ले लिया था ये तो, ठीक। एंगल वन इज इक्वल टू एंगल टू अभी प्रूफ किया है, ये रहा देखो एंगल वन इज इक्वल टू एंगल टू, तो रीजन क्या लिखूंगा इसके लिए, प्रूफ्ड अबव, ठीक है ऐसे ही लिखते हैं प्रूफ्ड अबव। तीसरा रीजन देखना, AP कॉमन है, बिल्कुल कॉमन तो है लेकिन ट्राइंगल में कैसे आ रहा है, AP और AP ही लिखा हुआ आ रहा है, तो AP इज इक्वल टू AP और रीजन हो गया कॉमन। तीन चीजें तो मिल गई, लेकिन एक ट्राइंगल में इसका ऑर्डर कैसे बैठा है, तो ट्राइंगल ABP में चेक करता हूं, मैंने AB साइड लिया, फिर एंगल वन एंगल लिया और AP साइड लिया, तो साइड एंगल साइड बिल्कुल ठीक बैठ रहा है, तो ट्राइंगल ABP कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल ACP रीजन हो गया साइड एंगल साइड, ठीक है। तो ये प्रूव हो गया, सेकंड पार्ट प्रूव हो गया, ठीक। और इससे हमें कोई फायदा हुआ? बिल्कुल, हमें फायदा क्या हुआ, हम इसमें दो चीजें प्रूव कर सकते हैं, एक तो पांच और छह बराबर है CPCT, देखो पांच और छह इन्हीं दो ट्रायंगल के दो एंगल्स हैं, और एक चीज और BP और CP बराबर है, नाम को ऑर्डर देख लो पहले BP CP बिल्कुल, तो BP इज इक्वल टू CP और ये भी CPCT, देखो कहां प्रूव करना था इसे हमें, BP इक्वल टू CP प्रूफ करना था, पांच बराबर छह और पांच बराबर छह तो है लेकिन 90 प्रूफ करना था, वो तो मैं अगले स्टेप पे कर दूंगा, ठीक है। तो अब हमारा हो गया फर्स्ट पार्ट पूरा हो गया, सेकंड पार्ट पूरा हो गया, वन इज इक्वल टू टू हो गया और फोर्थ पार्ट पूरा हो गया, बस 90 प्रूफ करना बाकी रह गया। बहुत ध्यान से एक एक चीज प्रॉपरली देखो कैसे मैं एंगल्स को ले रहा हूं प्रूफ करने के लिए। अब एक चीज पता है, BC पर ही तो दोनों एंगल पांच और छह बन रहे हैं, ठीक है, तो कैसे लिख सकते हैं, 5 प्लस 6 इज इक्वल टू 180 और रीजन क्या लिखेंगे इसके लिए, लीनियर पेयर। बता देता हूं लीनियर पेयर क्या होता है, कोई एक स्ट्रेट लाइन BC अगर लाइन AP के द्वारा इंटरसेक्ट की जा रही है जिस पर बनने वाले सिर्फ दो ही एंगल हो, ठीक है, तो दोनों एंगल का सम 180 होता है, रीजन लीनियर पेयर, ठीक है। मतलब दो हिस्सों में दो एंगल्स में डिवाइड किया गया है, तो दोनों एंगल को जोड़ दो एक स्ट्रेट लाइन पर और सम कर दो 180, तो रीजन लीनियर पेयर कहलाता है। पांच और छह बराबर है, तो क्या लिखा मैंने, दोनों को ही पांच लिख दिया, दोनों को छह भी लिख सकते थे, ठीक है, तो ट्वाइस ऑफ एंगल 5 इज इक्वल टू 180, टू नीचे चला जाएगा तो 180 बाय 2 इज 90, पांच और छह बराबर है,
पांच और छह बराबर है तो ये लीजिए, छह और पांच 90 डिग्री हो गया, ये लीजिए ये वाला पार्ट हो गया। ठीक है, तो ये तरीका था, दो एंगल बराबर है तो दोनों को मैंने लीनियर पेयर लगा के यूज किया और राइट एंगल भी प्रूव कर दिया। अब क्या पार्ट रह गया, बस 3 = 4 प्रूव करना रह गया। ठीक है, मतलब ये छोटा वाला ट्रायंगल काउंट कर देता हूं, फिर 3 और 4 तो कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स की वजह से बराबर हो जाएंगे। नाउ तो ट्रायंगल लेते हैं, इन ट्रायंगल डीपीबी, डीपीबी देखो नाम मैं अपने हिसाब से ले रहा हूं, तो अगर यहां मैंने डीपीबी लिया है तो फिर यहां डीपीसी ही लेना पड़ेगा। ठीक है, वरना नाम के ऑर्डर में गड़बड़ हो जाएगी। एन ट्रायंगल डीपीसी, चलिए तीन चीज ढूंढिए क्या अपने पास है, तो ध्यान से देखना, बीडी सीडी बराबर है, ऑर्डर का देखो यहां पर चक्कर, बीडी बीडी ऐसे आ रहा है और सीडी भी बिल्कुल वैसे ही आ रहा है, तो बीडी इज इक्वल टू सीडी, और बीडी सीडी बराबर क्यों, वैसे तो गिवन ही लिख सकते हो, ठीक है सीधा सीधा, वरना आइसोसेलेस ट्रायंगल की साइड्स है ये भी लिखा जा सकता है। ठीक, नाउ डीपीडीपी कॉमन, देखो डीपीडीपी कॉमन है, नाम में चेक करो डीपी और डीपी बिल्कुल सही आ रहा है, तो डीपी इज इक्वल टू डीपी और रीजन क्या आ गया कॉमन। तीसरी चीज देखो ध्यान से, बीपी और सीपी इसी दो ट्राइंगल की साइड है, यहां देख लेते हैं बीपी, तो बीपी ऐसे बन रहा है और सीपी ऐसे बन रहा है और बराबर क्यों है, ये देखो हमने मेरे ख्याल से पहले ही प्रूफ कर दिया था, बीपी सीपी बराबर है, प्रूफ डम आएगा रीजन, तो बीपी इज इक्वल टू सीपी और रीजन आएगा प्रूफ। अब तीन चीजें तो हो गई लेकिन एक ट्राइंगल में इनका ऑर्डर बनना जरूरी है, तो साइड लिए साइड लिए और साइड लिए, बिल्कुल ऑर्डर तो यहां पर ही बन गया, तो ट्राइंगल डीपीबी कॉन्गोइंग टू ट्राइंगल डीपीसी और एक्सियम क्या लगेगी साइड साइड साइड, और दोनों ट्राइंगल कॉन्गोइंग हो गए तो 3 = 4 हो गया, तो अभी ये दोनों एंगल इसी ट्राइंगल के दो एंगल्स है, तो रीजन क्या लिख देंगे इसके लिए सीपीसीटी, तो ये लीजिए सारी चीजें प्रूव हो गई, क्वेश्चन नंबर 1 फिनिश हो गया। अच्छे से प्रैक्टिस कीजिएगा, काफी बड़ा क्वेश्चन था और छोटे छोटे ट्विस्ट थे जो आगे आने वाले क्वेश्चनों में यूज भी करने हैं, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 पढ़ते हैं, मैं अपनी बुक से पढ़ता हूं आप भी पढ़िएगा। AD इज एन ऑल्टीट्यूड ऑफ एन आइसोसेलेस ट्रायंगल एबीसी, ओके एक आइसोसेलेस ट्रायंगल दिया है तो बनाते हैं फटाफट से, ये लीजिए एबीसी इज एन आइसोसेलेस ट्रायंगल, क्वेश्चन कह रहा है कि उस आइसोसेलेस ट्रायंगल एबीसी में AD इज अ परपेंडिकुलर, ठीक है AD ए परपेंडिकुलर है, मतलब ये एंगल 1 और एंगल 2 दोनों 90 डिग्री है, ये क्वेश्चन में गिवन है अपने को। शो दैट AD बाइसेक्ट BC, AD बाइसेक्ट BC मतलब BD बराबर CD प्रूफ करना है और AD बाइसेक्ट एंगल है, ओके AD एंगल A को बाइसेक्ट कर रहा है ये प्रूफ करना है, मतलब 3 और 4 प्रूफ करना है, तो चलिए पहले गिवन लिखते हैं, आसान सा ही क्वेश्चन है तो गिवन क्या लिखेंगे कि इन ट्राइंगल ABC आइसोसेलेस है ना, तो क्या लिख सकते हैं AB is equal to AC, एक तो ये गिवन है और क्या गिवन है आपको कि एंगल 1 is equal to एंगल 2 और is equal to 90, ठीक है AD perpendicular गिवन है, लिख सकते हो इस लाइन को पहले कि AD perpendicular BC, और जिससे आपको क्या पता चला कि अगर AD perpendicular BC है तो कह सकते हो एंगल 1 is equal to एंगल 2 is equal to 90 डिग्री, तो ये तो गिवन वाला पार्ट था। अब आपको 2 प्रूफ क्या करना है कि ये जो AD है वो BC को बाइसेक्ट कर रहा है, ठीक है तो पहला प्रूफ करना है आपको BD is equal to CD और दूसरा प्रूफ करना है कि ये जो AD है एंगल A को बाइसेक्ट करता है, अब एंगल A को बाइसेक्ट करता है मतलब 3 = 4, ये दो चीजें प्रूफ करनी है। अब जरा ध्यान से देखो BD CD और एंगल 3 एंगल 4 दोनों एक ही ट्राइंगल के एंगल और साइड्स हैं, इसके और इसके, तो बस क्या करें और ये दोनों डाल के इक्वल लिख देंगे और पीछे सीबीसीडी लिख देंगे, तो बहुत ही आसान निकला क्वेश्चन, तो चलिए प्रूफ करते हैं। ट्राइंगल तो हमारे पास बस ये एक ही है जिसके दो हिस्से हैं, तो इन ट्राइंगल नाम को ऑर्डर चेक करो कैसे लोगे, मैं ले रहा हूं ए डी बी तो दूसरा ट्राइंगल लेना पड़ेगा ए डी सी, ठीक है आप चाहो तो ऐसा भी ले सकते हो ए बी डी तो फिर ए सी डी लेना पड़ेगा, इस चीज का ध्यान रखना ऑर्डर बहुत मेन चीज है, तो इन ट्राइंगल ए डी बी इस तरह से ले रहा हूं तो फिर वहां लिखना पड़ेगा ट्राइंगल ए डी और सी, ठीक है चलिए तीन चीज देखते हैं। सबसे पहले मैंने लिखा ए बी इज इक्वल टू ए सी, ए बी और ए सी और रीजन क्या डालेंगे गिवन ए बी इज इक्वल टू ए सी, ठीक लेकिन ध्यान रखना इस बार ए बी ए सी को मेरे एग्जाम के अंदर नहीं आना,
वो कैसे अभी पता चल जाएगा। बड़े ट्राइंगल में एबीसी की बात कर रहा हूं, एबी के अपोजिट एंगल कौन है, सी, ठीक है, और एसी के अपोजिट एंगल बी। या ऊपर गिवन में भी लिख सकते थे, वो क्यों, क्योंकि ट्राइंगल आइसोसेलेस है ना, तो ए बी एसी के बराबर है और बी और सी भी बराबर है, तब आप ये वाला स्टेटमेंट डायरेक्टली लिख सकते थे, क्योंकि मैंने बी बराबर सी बराबर लिखा नहीं है, तो इसलिए मुझे ए बी एसी करके उनके अपोजिट एंगल को बराबर प्रूफ करना पड़ा, जो हमने लास्ट एक्सरसाइज में सीखा था। और रिजल्ट क्या डालेंगे, एंगल ऑपोजिट टू इक्वल साइड साइड इक्वल, और अगर आप बी और सी यही ऊपर लिख देते बराबर में तो रिजल्ट डालते गिवन या आइसोसेलेस ट्राइंगल, दो साइड्स भी बराबर होती है, दो एंगल्स भी बराबर होते हैं, ठीक है। तो चलिए b बराबर c हो गया। अब नेक्स्ट देखो क्या, 1 is equal to 2, ये तो क्वेश्चन में ही गिवन है, ठीक है। अभी देखना इसका ऑर्डर भी कैसे बैठेगा, देखो यही क्वेश्चन में ट्विस्ट है, हर बार ऐसा नहीं होता कि जो गिवन होगा डायरेक्टली उसका यूज हो जाएगा, ये क्वेश्चन को करके पता चलता है कि जो चीजें गिवन है वहां से हमें कुछ ढूंढना पड़ेगा, वो अपने कॉन्फिडेंस के थ्योरम में लगेगा, ठीक है। अब तीसरा देखो, एडी कॉमन, एडी और एडी कॉमन, अब कौन से तीन चीजों से मैं कॉन्फिडेंसी करने वाला हूं, वैसे नीचे वाली तीन से करने वाला हूं, वो कैसे देखो, फ्रॉम इक्वेशन 1, 2 एंड 3, चौथी ऊपर वाली चीज यूज नहीं होगी, क्यों उसका रीजन देख लो। एक ट्राइंगल में चेक करते हैं, एंगल सी लिया है मैंने, एंगल टू लिया है मैंने, एडी लिया है मैंने, तो इस ट्राइंगल में चेक कर रहा, सी लिया है, 1 लिया है और एडी लिया है, तो एंगल एंगल सर, तो वो इस तरह से प्रूव हुआ है, तो ठीक है, ट्राइंगल एडीबी कॉन्गुएंट टू ट्राइंगल एडीसी और रीजन आया AAS। अगर आपको कोई और तरीका दिख रहा है तो वो कर सकते हैं, लेकिन ध्यान रखना आपकी जो 5 एक्सियम्स है उसमें से कोई एक एक्सियम लगनी जरूरी है, ऐसा भी हो सकता है आपने कोई और तरीका लगाया लेकिन आप एक्सियम को पूरा नहीं कर पा रहे, जबकि वो यूज तो हो रहा है लेकिन पूरा एक्सियम नहीं बन रहा, सॉरी आप वो तरीका यूज नहीं कर सकते, तो इसलिए मैंने ऐसा तरीका लगाया जिससे मेरी एग्जाम प्रूव हो जाए, ठीक है। तो मैंने लिया AAS, ठीक, और देखिए अब क्या प्रूफ करना रह गया था, BDCD, चेक करो ये BD और CD इसी ट्रायंगल की साइड है, BD और CD, हाँ बिल्कुल इसी ट्रायंगल की साइड है, क्या लिखूंगा, BD is equal to CD, और रीजन क्या डालते हैं, पीछे CBCD डालते हैं, ट्रायंगल तो कॉन्ग्रुएंट होगा, 3 बराबर 4, क्या 3 और 4 इसी दो ट्रायंगल के एंगल्स हैं, बिल्कुल 3 और 4 इसी ट्रायंगल के एंगल है, रीजन क्या डालेंगे, सिंपलिसिटी, ये लीजिए क्वेश्चन पूरा हो गया। बस ध्यान रखना है कि जो चीजें इस बार हमें गिवन थी वो डायरेक्टली यूज नहीं हुई, उससे जुड़ा एंगल यूज हुआ, ठीक है, बस इस चीज का ध्यान रखें, क्वेश्चन फिनिश हो गया। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 का फिगर मैंने बोर्ड पर बना दिया, क्वेश्चन गिवन है, ठीक है, मैं अपने बुक से पढ़ता हूं, आप भी पढ़िए। 2 sides AB and BC एंड द मीडियन AM, ओके, AB पूरी साइड BC और मीडियन AM बिल्कुल एग्जैक्टली बराबर है किसके, PQ QR और मीडियन PN के, ट्रायंगल PQR के अंदर, ठीक है, ये क्वेश्चन है हमारा, और फिर हमें कुछ चीजें प्रूफ करनी है। चलिए देखते हैं, पहले गिवन लिखते हैं, ठीक है, यहां से मुझे आपको छोटे छोटे दो तीन कंसेप्ट भी बता रहे हैं जो अब तक हमने यूज नहीं किए। तो देखिए, इन ट्राइंगल, पहले गिवन लिख रहे हैं, ABC एंड ट्राइंगल PQR, देखो हमें क्या क्या गिवन है, हमें गिवन है ये जो AB है वो PQ के बराबर है, मीडियन AM जो है वो PN के बराबर है, और जो BC है वो QR के बराबर है। लेकिन एक छोटा सा कंसेप्ट सिखाना है, जरा ध्यान से देखना, ये BC और QR बराबर है, ठीक है, BC is equal to QR, लेकिन AM BC पर मीडियन है और PN QR पर मीडियन है, और मीडियन क्या होता है, मीडियन एक ऐसी लाइन होती है कि जो जिस साइड पर जाकर पड़ेगी उस साइड को 2 बराबर हिस्सों में बांट देगी, मतलब BM और NC बराबर है और Q1 एंड NR बराबर है, लेकिन मुझे इसे यूज किस तरह से करना है वो देखिए, मतलब AM और PN अगर मीडियन है ना तो इन दोनों साइड का आधा भी बराबर होगा, या कह सकते हैं आधा हो सकता है। तो मैंने क्या किया, हाफ ऑफ BC इज इक्वल टू हाफ ऑफ QR, लिख दीजिएगा इधर, AM एंड PN आर द मीडियंस, ये ध्यान रखना, जब मीडियंस हो आपके पास किसी साइड के तो उन साइड का डायरेक्टली आधा लिखा जा सकता है, ठीक है। तो BC का आधा मैंने लिख दिया BN, और ऐसे ही मैंने QR का आधा लिख दिया मैंने QN, आप कह सकते थे सर MC भी लिख सकते थे, तो हाँ लिख सकते थे, और ऐसे ही वहां NR भी लिख सकते थे, लेकिन मुझे उसकी जरूरत नहीं पड़ने वाली, पड़ेगी जरूरत तो हाँ वो भी लिख दूंगा, ठीक है। तो ये वाला पार्ट आना आपको बहुत जरूरी है,
चाहो तो इसे गिवन में लिख दो, चाहो तो इसे जब प्रूफ करूंगा तब भी लिख सकते हैं, ये आपकी चॉइस है, ठीक है। क्योंकि मीडियम गिवन है ना तो इतना पार्ट तो आपको कुछ सीखना पड़ेगा, तो एक काम करते हैं मैं इसे गिवन में नहीं लिखता, इसे मैं प्रूफ करते समय लिख लूंगा, ठीक। तो ये तो मेरा गिवन हो गया, अब और तो कुछ गिवन है नहीं, अब शो करना है, ठीक है। क्या क्या शो करना है, देखो मुझे शो करना है ABM और PQN ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट है, ABM, ठीक है। तो ट्राइंगल ABM कॉन्ग्रुएंट है PQN के, ट्राइंगल PQN के। और देखो दूसरा चीज क्या प्रूफ कर रहा है मुझे कि ABC और PQR बड़ा ट्राइंगल की बात कर रहा है, तो ट्राइंगल ABC कॉन्ग्रुएंट है ट्राइंगल PQR के। देखो बहुत आसान है, ये जो चीज मैंने अभी निकाली इसका यूज देखो कैसे होगा, ठीक है, प्रूफ करते हैं सीधा। अब ये मान लीजिए ये वाला पार्ट आप अब करना प्रूफ के अंदर, तो यहां से आपको क्या मिल गया, BM बराबर QN मिल गया। अब इसका फायदा देखो इस ट्राइंगल को कॉन्ग्रुएंट करने में, तो पहले ट्राइंगल का नाम लिखते हैं इन ट्राइंगल ABM, क्योंकि नाम तो क्वेश्चन नहीं किया मैंने, तो अपनी तरफ से नाम लेने का जरूरत नहीं, ये ले लेते हैं, और ट्राइंगल PQN, ठीक है। अब क्या AB और PQ बराबर है, AB और PQ, हाँ भाई बिल्कुल बराबर है, क्वेश्चन नहीं किया है, AB इज इक्वल टू PQ, और रीजन क्या लिख देंगे इसके लिए, गिवन। क्या BM और QN बराबर है, बिल्कुल प्रूव कर दिया था, और चेक कर लो ये इसी ट्राइंगल की साइड भी बन रही है क्या, BM और QN बिल्कुल बन रही है, तो BM इज इक्वल टू QN, और रीजन क्या लिखेंगे, रीजन लिखेंगे प्रूव्ड अबव, तीसरी चीज रह गई ना। तो देखो AM और PN भी तो बराबर है, ये देखो और ट्राइंगल की साइड बन रही है, AM और PN बिल्कुल बन रही है, AM इज इक्वल टू PN, और रीजन हो गया गिवन। तो ट्राइंगल ABM कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल PQN, और रीजन क्या लेंगे, साइड साइड साइड, एक ट्राइंगल में चेक करो मैंने ये वाली साइड ली है, ये वाली साइड ली है, और ये वाली साइड ली है, तो ट्राइंगल हो गया कॉन्ग्रुएंट, पहला पार्ट तो प्रूव हो गया। अब यहां से कुछ फायदा भी मिल सकता है, बहुत कुछ है फायदे में, देखो मैं लिख देता हूं एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2, एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2 CBCT, इसका यूज अगले वाले पार्ट में होगा, ठीक है, क्योंकि दो ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट थे, तो पहले ट्राइंगल के सारे एंगल दूसरे ट्राइंगल के सारे कॉरस्पोंडिंग एंगल के बराबर तो होने ही होने। चलो दूसरा पार्ट प्रूफ करते हैं, मतलब बड़ा वाला ट्राइंगल दूसरे बड़े वाले ट्राइंगल के, तो इन ट्राइंगल नाम डालो ABC और ट्राइंगल PQR, चेक करो तीन चीजें हैं, AB बराबर PQ, AB और PQ, ये देखिए तो गिवन ही था आपने, ठीक है, AB बराबर PQ, रीजन गिवन। 1 और 2 देखो अभी मैंने प्रूव किया था पीछे, ठीक है, और ये दोनों ट्राइंगल में आ रहे हैं, मतलब वो मतलब ये बड़े ट्राइंगल के भी एंगल बन रहे हैं और छोटे ट्राइंगल के भी एंगल बन रहे हैं, तो ये फायदा हो गया, और रीजन क्या लिखेंगे इसके लिए, प्रूफ है बाबू, हमने अभी प्रूफ किया था पहले, ठीक। और तीसरा BC और QR बराबर, ये देखिए BC और QR बराबर है, क्वेश्चन नहीं क्यों था, BC इक्वल टू QR, ट्राइंगल का जो नाम है उसको भी चेक करना, BC और QR, क्योंकि ऑर्डर सबसे बड़ी चीज है यहाँ पर, ठीक है, ये हो गया गिवन। तो ट्राइंगल ABC कॉन्ग्रुएंट के ट्राइंगल PQR के, रीजन चेक करो एक ट्राइंगल में साइड लिया फिर एंगल लिया फिर पूरी साइड लिया, तो ये हो गया साइड एंगल साइड, बस दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट हो गए। बस ध्यान रखना था पहले छोटे वाले ट्राइंगल को कॉन्ग्रुएंट करने के लिए ये वाला जो स्टेप था जो मैंने आपको शुरू में करके दिया था, इसे प्रूफ में लिखना ये आना बहुत जरूरी था, फिर ये प्रूफ किया छोटा वाला ट्राइंगल, वहां से 1 बराबर 2 मिल गया, बस फिर तुमने काम कर लिया, हो गया क्वेश्चन सॉल्व, अच्छा क्वेश्चन था, ध्यान से ट्राई कीजिए। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 करते हैं, इसका इस बार फिगर गिवन नहीं है, क्वेश्चन पढ़ के खुद बनाना पड़ेगा। BE एंड CF आर द टू इक्वल ऑल्टीट्यूड्स ऑफ अ ट्राइंगल ABC, ठीक है, एक ट्राइंगल एबीसी आपको दिया हुआ है, उसमें दो ऑल्टीट्यूड्स भी दिए हुए हैं, और ये भी कह रखा है कि ऑल्टीट्यूड्स आपस में बराबर है, ठीक है। तो मान लीजिए ABC एक ट्राइंगल है जिसमें BE और CF दो ऑल्टीट्यूड्स हैं, और कैसे ऑल्टीट्यूड्स हैं, इक्वल ऑल्टीट्यूड्स हैं, मतलब 1 बराबर 2 ये गिवन है, ठीक है। तो पहले गिवन लिखते हैं कि इन ट्राइंगल ABC क्या क्या चीज गिवन है, एक तो गिवन है कि ये जो BE है ये CF के बराबर है, इक्वल है ना, और क्योंकि ऑल्टीट्यूड्स वर्ड गिवन है तो फिर 1 बराबर 2 बराबर 90 भी आपको गिवन है, ठीक है, दो चीजें गिवन हो गई। प्रूफ करना है इट इज एन आइसोसेलस ट्राइंगल, ओके
आज उसे ट्राइंगल प्रूफ करना है, तो टू प्रूफ लिखते हैं। क्वेश्चन है कि ट्राइंगल ए बी सी इज एन आइसोसेलेस ट्राइंगल, ठीक है, ये प्रूफ करना है। लिखा हुआ है कि यूजिंग आरएचएस कॉन्कर्रेंसी रूल प्रूव दैट इट इज आइसोसेलेस, पर ये भी ध्यान रखना है कि आरएचएस का ही कॉन्कर्रेंसी रूल यूज करना पड़ेगा। तो बहुत आसान है क्वेश्चन, देखो ध्यान से, पहले ही बता दिया उसने। तो ट्राइंगल कौन सा है, ध्यान से देखिए, इन ट्राइंगल बी एफ सी, बी एफ सी यहां क्या लेना पड़ेगा, सी ई बी, ठीक, तो ट्राइंगल सी ई और बी। चलिए आर एच एस की कॉन्करेंसी रूल लगाते हैं, तो टू बराबर वन, टू बराबर वन, रीजन क्या लिखेंगे इसके लिए, रीजन लिखेंगे राइट एंगल, और क्वेश्चन में वैसे गिवन भी है, गिवन इसलिए नहीं लिख रहा क्योंकि आर एच एस का रूल लगाना है ना, तो राइट एंगल वर्ड तो लेना ही पड़ेगा। अब एंगल टू के अपोजिट साइड देखना, एंगल टू के अपोजिट साइड बी सी और वन के अपोजिट साइड भी बी सी, और देखो बी सी, लेकिन देखो यहाँ बी सी नहीं बन रही तो सी भी बन रही है, चेक करो बी सी यहाँ बन रही है सी भी, तो लिखना पड़ेगा बी सी इज इक्वल टू सी भी। अब यहाँ क्या लिखोगे इक्वल में, वैसे तो कॉमन है लेकिन कॉमन वर्ड आर एच एस तो आता नहीं है, तो कॉमन के साथ साथ राइट एंगल के अपोजिट साइड को क्या बोला जाता है, राइट एंगल के अपोजिट साइड को बोला जाता है हाइपोटेन्यूज। लेकिन ये हाइपोटेन्यूज है इसलिए बराबर नहीं है, ये कॉमन है लेकिन राइट एंगल के अपोजिट हाइपोटेन्यूज बोला जा सकता है, इसलिए कॉमन और हाइपोटेन्यूज में दोनों लिख दिए। ध्यान रखना राइट एंगल के अपोजिट साइड हाइपोटेन्यूज जरूर होती है लेकिन वो हाइपोटेन्यूज बराबर नहीं होती है, बराबर वो इसलिए है क्योंकि मैंने पहले ही बता दिया कि वो कॉमन साइड है, तो कॉमन होने की वजह से बराबर हो गई क्योंकि राइट एंगल के अपोजिट है इसलिए उसका नाम हाइपोटेन्यूज है, लेकिन हाइपोटेन्यूज कैसे हो गई, बराबर हो गई, तो ये बात बन जाएगी। अब तीसरी चीज देखिए, हाँ है हमारे पास सी एफ और बी एक साइड में तो गिवन थी, ये देखो तो बी ई और यहां बन रहा है सी एफ, ठीक है, तो सी एफ इज इक्वल टू बी और लिख देंगे वन साइड, और ये क्या लिख सकते हैं यहां पर, वन साइड है इसलिए बराबर नहीं है, गिवन है ना इसलिए बराबर है, ठीक है, तो दोनों रीजन लिख दो। अब तीन चीजें मिले ऑर्डर तो बैठे रहे, आर एच एस इसमें कुछ चेक करने का जरूरत ही नहीं, ठीक है, ट्राइंगल BFC congruent to triangle CEB, reason RHS, तीन वही तो लिए है, right angle लिया है, right angle के सामने वाली side hypotenuse दी है और एक side जो हमें बराबर दी हुई थी वो तीसरी side हो गई, तो triangle congruent हो गया by the property RHS, और अगर RHS से triangle congruent हो गया तो आप कह सकते हो ये पूरा angle B, ये पूरा angle C बराबर है, तो पूरा angle B, पूरा angle C बराबर है, reason CPCT, और angle B के अपोजिट साइड AC और ऐसे एंगल सी के अपोजिट साइड AB, ये मैंने लास्ट लेक्चर बताया था, अगर दो एंगल आपस में बराबर है तो उनके अपोजिट साइड्स आपस में बराबर होती हैं, और रीजन क्या लिखेंगे, साइड ऑपोजिट टू इक्वल एंगल सारी। अब एक ट्रायंगल में दो साइड्स मैंने बराबर प्रूव कर दी, तो एक ऐसा ट्रायंगल हो गया, इट इज एन आइसोसेलेस ट्रायंगल, तो ये लीजिए ये मुझे प्रूव करना था, आ गया मेरा आंसर, क्वेश्चन फिनिश हो गया। एक्सरसाइज का आखिरी क्वेश्चन आ गया, फिर इसका भी गिवन नहीं, क्वेश्चन पढ़ के फिगर बनाना पड़ेगा, ABC is an isosceles triangle with AB is equal to AC, okay, ABC एक isosceles triangle है, ये नीचे मैंने बनाया, ABC isosceles triangle, AB AC के बराबर, ये क्वेश्चन है गिवन, फिर हमसे कह रहा है कि draw AB perpendicular BC, okay, ये देखिए, AB जो है perpendicular है, मतलब 1 is equal to 2 is equal to 90 गिवन है, और प्रूफ करना है एंगल बी इज इक्वल टू एंगल सी, चलो ठीक है आसान सा ही क्वेश्चन है, ठीक, तो गिवन लिखते हैं सबसे पहले, इन आइसोसेलेस ट्रायंगल ए बी सी, ए बी इज इक्वल टू ए सी, और एक चीज दिया कि ए बी परपेंडिकुलर बी सी, अब ए बी परपेंडिकुलर बी सी से हमें क्या मतलब पता चला, वन इज इक्वल टू टू इज इक्वल टू 90 डिग्री, टू प्रूफ, प्रूफ करना है ये एंगल बी और एंगल सी बराबर है, तो वैसे क्या काम करूं, इन दोनों ट्रायंगलों को कॉन्कर्रेंट कर देता हूं, बी और सी इन्हीं दोनों ट्रायंगल के दो एंगल है, तो बस सी बी सी डी देख लेंगे लास्ट में, ठीक है, तो चलिए प्रूफ करते हैं सीधा, तो ट्रायंगल का नाम लिखते हैं, इन ट्रायंगल ए पी बी एंड ट्रायंगल ए पी सी, तीन चीज ढूंढते हैं कौन कौन सी है अपने पास इसके अंदर, देखो अपने पास ए बी और एसी गिवन है, एपी एपी कॉमन गिवन है, वन इज इक्वल टू टू गिवन है, लेकिन इससे कोई ऑर्डर तो बैठ नहीं रहा, कुछ और देखिए रहा इसके अंदर, चलो देखो लॉजिक,
सबसे पहले मैंने लिखा 1 इज इक्वल टू 2 और लिखा ईच 90, लेकिन ईच 90 के साथ साथ मैंने एक चीज और लिखी, क्या? राइट एंगल। मैं इसको भी आगे से ही प्रूव करने वाला हूं, और देखो उसका फायदा, राइट एंगल तो है ना, इज इक्वल टू 2, 90 डिग्री दिया हुआ है। अब एंगल 1 के अपोजिट साइड है AB, और ऐसे ही देखो एंगल 2 के अपोजिट साइड कौन सी है, AC, जो कि मुझे गिवन भी है, लेकिन हमारे लिए वो बराबर तो है, लेकिन क्यों? राइट एंगल के अपोजिट है ना। तो मैंने लास्ट क्वेश्चन में क्या बताया था कि राइट एंगल की जो अपोजिट साइड होती है वो कहलाती है हाइपोटेन्यूज। फिर समझ लो, राइट एंगल की ऑपोजिट हाइपोटेन्यूज कहलाती है, लेकिन हाइपोटेन्यूज बराबर नहीं होती है। यहां वो बराबर इसलिए लिखी है हमने क्योंकि क्वेश्चन में हमें ये चीज गिवन है, ठीक है? तो ये गिवन है कि ये बराबर है, लेकिन वो हाइपोटेन्यूज भी बन रही है, इसलिए आर और एच बन गया। एस एपी एपी कॉमन है, यहां चेक कर लो ऑर्डर, एपी और एपी, तो एपी इज इक्वल टू एपी, कॉमन कॉमन तो है, लेकिन हमारे लिए आर एच एस, एस मतलब वन साइड, एक साइड बननी चाहिए, ठीक है, और वो बराबर ही होनी चाहिए। तो ठीक है, ऑर्डर तो बन गया आर एच एस का, तो बस काम बन गया। तो ट्राइंगल ए पी बी कॉन्गुएंट टू ट्राइंगल ए बी सी, रीजन आर एच एस। अब बी और सी को डायरेक्टली बराबर लिख दीजिए, क्योंकि ये बी और सी उसी ट्राइंगल के दो एंगल जो हमने कॉन्गुएंट किए, और रीजन भी लिखना पड़ेगा इसके लिए, क्या सीबीसीटी, ये प्रूफ करना था। ये लीजिए एक्सरसाइज फिनिश हो गए, अब आपकी एक्सरसाइज 7.1, 7.2 और 7.3 पूरी फिनिश हो चुकी है, अच्छे से इनकी प्रैक्टिस कीजिए, लेक्चर को फिनिश करते हैं। अगर आपको हमारा वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो हमारे चैनल मैथ्स फिलीज को सब्सक्राइब कर लें और साथ में लगे बेल आइकन को भी हिट कर दें, जिससे आगे आने वाले वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए।